नमस्कार दोस्तों, अंबुज MKT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियोज को लाइक अवश्य करें। हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो यदि पसंद नहीं आते हैं तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दिया करें, ताकि हमारे पास तक आपकी प्रतिक्रिया पहुँच सके। और यदि आपको कोई सूचना या सुझाव देना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स से लिख कर हमें अवश्य बताएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम यानी JEECUP के के ग्रुप की। हाँ, वही के ग्रुप जिसे हम लेटरल एंट्री ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको के ग्रुप के बारे में समस्त जानकारी और इसका एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस आदि जानकारियाँ बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि के ग्रुप यानी लेटरल एंट्री ग्रुप में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10th+ ITI या 12th PCM होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 10th+ ITI किया है किसी भी स्ट्रीम से, या आपने 12th किया है वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, तो आप के ग्रुप में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप के ग्रुप से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि के ग्रुप का पेपर ए ग्रुप के पेपर से बिल्कुल ही डिफरेंट आता है, और बहुत से लोगों को के ग्रुप के सिलेबस के बारे में ही नहीं पता होता है, और इसलिए वो के ग्रुप से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैंने स्वयं ही के ग्रुप से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे खुद भी इस ग्रुप के सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए जब आप इस ग्रुप में बैठें तो आपको इस ग्रुप के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 400 मार्क्स के होंगे। यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और हर बार गलत जवाब देने पर आपको 1/4 नंबर यानी कि 1 नंबर काट लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के होंगे, और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टेट के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सेक्शन ए में सिर्फ 40 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी में 60 क्वेश्चन आएंगे। जो सेक्शन ए में 40 क्वेश्चन होंगे उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मिला के 40 क्वेश्चन होंगे, जैसे फिजिक्स के 10 और केमिस्ट्री के 10 और मैथ्स के 20 हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो आपके ट्रेड से 60 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन आपके ट्रेड से ही आएंगे, उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से सिर्फ 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके ट्रेड से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ आपके ट्रेड के बारे में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान ही गए हैं कि इस एग्ज़ाम में जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सरल प्रकार के होते हैं, जिनका लेवल हाई स्कूल के समान होता है और जिन्हें कोई भी औसत बच्चा आसानी से कर सकता है। लेकिन इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन आपके ट्रेड सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं उन्हें करने में अधिकतर लोगों को कठिनाई होती है, क्योंकि शुरुआत में आपको अपनी ट्रेड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, और जब एंट्रेंस एग्जाम में आपके सामने आपकी ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस को करने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए आपको मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते वक्त फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ आप अपनी ट्रेड से संबंधित एक बेसिक बुक मार्केट से जाकर के अवश्य खरीद लें, क्योंकि बेसिक बुक खरीदने से आपको अपनी ट्रेड के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम में आपके बहुत कम आएगा। क्योंकि इस एग्जाम में आपकी ट्रेड से बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आप यदि किसी बेसिक बुक से थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे अपनी ट्रेड के बारे में तो अवश्य इस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस ग्रुप से जुड़ी समस्त जरूरी जानकारी आपको बता दी होगी। यदि कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो अथवा यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और यदि आपको लगे कि इस वीडियो से किसी अन्य व्यक्ति को फ़ायदा हो सकता है तो कृपया वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी समस्त जरूरी वीडियो आपको इस चैनल पर अवश्य मिलेंगी। धन्यवाद।